अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे, ताकि डेफिनेशंस को पढ़ने से जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम एक्सरसाइज जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो मैट्रिक्स आपको बता दिया है, आपको पता है कि मैट्रिक्स जो है रियल नंबर्स को ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स देखें क्या होता है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो बस, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे देखें, रो मैट्रिक्स देख लें पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं आर से इसे डिनोट कर देता हूँ, और आपके पास एक रो होनी चाहिए, जैसे 3, 4, 2। इसमें कितनी रोज हैं? जस्ट आपने रोज पे फोकस करना है, कॉलम पे नहीं। हमने रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो रो पे फोकस। तो ये देखें हमारे पास एक ही रो है, ठीक है। इसी तरह एक और हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 3, तो इसमें कितनी रोज है? एक रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। इसी तरह अगर कॉलम मैट्रिक्स को देखा जाए तो कॉलम मैट्रिक्स में मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ, जैसे कि देखिए कॉलम मैट्रिक्स को सी से डिनोट कर देता हूँ, कैपिटल लेटर है, और इसे मैं कॉलम मैट्रिक्स में एक ही क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए, देखें 3, 4। तो इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, आपने कॉलम पे फोकस करना है। एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे आते हैं, एक और कॉलम की एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि ये देखें 3, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अगर ये वैसे अगर रो की बात की जाए तो रो मैट्रिक्स भी है, लेकिन अगर कॉलम पूछ रहा होगा तो आपने बताना है इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आए तो देखिए, मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज कैसे, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम देखें कितने हैं, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2/3। तो देखें रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर। इसी तरह अगर हम आए स्केयर मैट्रिक्स पे, तो मैं ऐसे से डिनोट कर देता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि रोज और कॉलम की तादाद क्या हो? बराबर हो। तो आपको यह भी पता है कि रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रोज होती हैं और वर्टिकल फॉर्म में यानी कि वाई एक्सिस फॉर्म में कॉलम होते हैं। देखें इसमें एक रोज है, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड, तो इसमें ऑर्डर क्या है? 2/2 का है। तो इसका मतलब कि ये आपके पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नल और जीरो, देखें नल और जीरो मैट्रिक्स, तो नल और जीरो को मैं एन से डिनोट कर देता हूँ मैट्रिक्स को। नल या जीरो, नाम से जाहिर है नल यानी कि और जीरो, तो मतलब कि सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी? जीरोज होंगी। तो ये आपके पास नल ये मैट्रिक्स कह लें। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसके लिए आपके पास सपोज कर लेते हैं, एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 5, 6, 7, 8, 9, 2, ठीक है। तो इसका होगा जब ट्रांसपोज क्या होगा, तो हम कहते हैं कि ए के ऊपर स्मॉल टी शो कर देते हैं, ये ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज सुन लें क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स है ना, अगर आप उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर लें, सपोज ये रो थी, मैं इसे कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, देखें इस फॉर्म में ऐसे मैं चेंज कर देता हूँ, देखें 5, 6, 7, देखिए कॉलम में चेंज हो गया, और देखें ये रो थी, इसे मैं कॉलम में लेके आ रहा हूँ, ये देखें इस तरह रो को मैं कॉलम में ले आया हूँ, तो यही आपके पास क्या कहलाएगा? इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। डेफिनेशन क्या बनी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में। देखें कॉलम क्या था, 5, 8 कॉलम था, तो मैंने उसे किस में चेंज कर दिया? रो में। देखें 6, 9 कॉलम था, मैंने उसे किस में चेंज कर दिया? रोज में, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसे हम रोज को कॉलम में और कॉलम को क्या करें? रोज में चेंज कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स में आपके पास देखिए, मैं इसे किसी भी नेगेटिव यानी कि एन से डिनोट कर लेता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास 2, -2, 5 और 6। नेगेटिव नाम से जाहिर है, यानी इसका आपने माइनस ले लेना, नेगेटिव ले लेना, देखें तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जस्ट माइनस लिया बोथ साइड, तो माइनस एन, देखें माइनस प्लस, -2, -2, +2, -5 और -6, देखें ये इसका क्या हो गया, ये पॉजिटिव एन था, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम आए सिमेट्रिक पे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसा
मैट्रिक्स जिसमें हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा उसी के बराबर आ जाए, यानी कि एक है। और क्यू में क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आना चाहिए, यानी कि उसके माइनस कॉमन लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए। तो सिंपल अगर आप ऐसे याद रख लें कि ए ट्रांसपोज बराबर है ए के और ए का ट्रांसपोज बराबर है किसके, माइनस ए के, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट पे आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में देखें, डायगोनल मैट्रिक्स को मैं जो है ना वो डी से डिनोट कर देता हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऐसा स्केयर मैट्रिक्स, इसमें स्केयर का होना लॉजमी है, ठीक है। ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो एटलीस्ट वन एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। सपोज कैसे, वन देखें, इसमें अब सबसे पहले तो पता हो डायगोनल कौन सी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्रीज का बनाना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो ये देखें, ये जो है ना, ये वाली एंट्रीज, ये है आपके पास डायगोनल एंट्रीज। अगर इन एंट्रीज में से एटलीस्ट वन एंट्रीज नॉन जीरो हो तो हम कहेंगे ये डायगोनल है। अगर सारी नॉन जीरो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई एक नॉन जीरो होगी तब भी हम कहेंगे कि वो क्या है, डायगोनल है। अब ये तो डायगोनल है क्योंकि इसमें सारी नॉन जीरो, तो वेल एंड गुड डायगोनल है ये। सपोज एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ ये तो डायगोनल है, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो है, तो फिर डायगोनल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने बात किया कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। देखें यहाँ थ्री जो है, एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल है। लेकिन अगर यहाँ भी जीरो आ जाएगा तो फिर तो वो डायगोनल तो नहीं होगा, फिर तो वो तो हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ आपके पास क्या हो सकता है, टू हो सकता है, ठीक है। देखिए एक एंट्रीज जो है इसमें से नॉन जीरो है, ठीक है, और बाकी जो है इस डायगोनल के ऊपर और नीचे वो जो है वो जीरो होना लाजमी है। देखिए वहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो है, ठीक है। अगर ये वो जीरो नहीं होंगे तो फिर वो इन ऊपर में से कोई और एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। देखें स्केलर मैट्रिक्स को मैं अब डिनोट करता हूँ एस से, और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल के लिए ऐसी एंट्रीज थी जिसमें डायगोनल जो एंट्रीज है वो एक जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल एंट्रीज के ऊपर नीचे सारे जीरो थे। ये डायगोनल एंट्रीज है, इसके ऊपर नीचे सारे जीरो हैं। और ऐसा मैट्रिक्स स्केलर में, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री सेम हो, देखें डायगोनल एंट्री सेम है, के जो है यहाँ क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है वहाँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि के जो है वो आपके पास रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट भी कोई आप यूज कर सकते हैं, और लेकिन के जो है वो यहाँ आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल, के जीरो नहीं होना चाहिए और वन भी नहीं होना चाहिए। ये वन जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ सारे जीरो हो जाएंगे तो फिर तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन वन क्यों ना हो ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ना है, तो अगर यहाँ सारे वन होंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जीरो और वन के अलावा कोई भी इधर नंबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी पे आ जाए, देखिए आइडेंटिटी को हमने आई से डिनोट करना है। और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल के लिए मैंने फिर वही बात बता रहा हूँ कि डायगोनल के लिए हमने बात इसलिए लफ्ज यूज कर रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज के ऊपर और नीचे जीरो होने चाहिए। देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन होनी चाहिए। आइडेंटिटी नाम से जाहिर है, आइडेंटिटी यानी कि यूनिट वन होना चाहिए। देखिए वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, देखिए इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या है आपके पास, वन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसे आई से डिनोट करना है हमेशा, इसके लिए कोई और लेटर जो है वो आप यूज नहीं कर सकते, तो इस बात को आपने याद रखना है। और इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी है। चले ये देखें, अब मैंने क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री ये लिख लिया है, और इसमें आपने बस यही बताना है कि आइडेंटिफाई करना है आपने कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। देखें आप बिल्कुल मैंने डेफिनेशन आपको पहले बता दी है और आप समझ भी लिया, तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल बात कोई बड़ी बात नहीं है। देखें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखें, अब आपको नजर आ रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास देखें कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हों, बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हों तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो ये आपके पास ए वाला कौन सा हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह अगर हम डी पर आए तो देखें डायगोनल मैट्रिक्स तो लग रहा है, लेकिन डायगोनल एंट्रीज में क्या है, सारे वन है। अगर डायगोनल एंट्रीज में वन हो तो हमें पता है कि वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखें ई वाला, देखें ई में
एक मैट्रिक्स है उसमें जीरो है, तो हमने ये बाय डेफिनेशन पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो ये नल हो गया। इसी तरह अगर हम आए बी पर, देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही रो, देखें इसमें एक रो है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? रो मैट्रिक्स। और देखें ये सी वाले पे, इसमें एक ही कॉलम नजर आ रहा है हमें, एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू पे आए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट देख लें कि अब ये कौन सा मैट्रिक्स लग रहा है आपको। देखें इसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि टू रोज है और थ्री जो है वो क्या है? कॉलम्स है, तो ये आपके पास कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ आ जाए, देखें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। इधर आ जाए, देखें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देखें एक रो सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दो रोज है और दो ही कॉलम है, तो ये आपके पास कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ आए तो देखें ये भी बिल्कुल जीरो जीरो है और इधर डायगोनल एंट्रीज वन है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हमें पता है कि ये वन हो तो आइडेंटिटी, अगर यहाँ सेम हो यानी कि जीरो वन के अलावा कोई नंबर होता, यानी कि टू होता, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू होता, यहाँ भी टू होता, तो हम क्या कहते हैं ये कौन से हैं? फिर ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाता। अगर यहाँ वन है और यहाँ टू होता तो फिर हम कहते हैं ये कौन सा होता? डायगोनल हो जाता। अगर यहाँ जीरो हो जाता तो यहाँ वन होता, तो एक एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है, तो हम कहते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अब यहाँ वन वन आ गया तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ आ जाए, देखें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देखें तीन रोज हैं और दो कॉलम हैं, तो कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर। इसमें एक ही रोज है, देखें तो ये क्या होगा? रो मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह इसमें एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये आपके पास थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो, तो वो कौन सा होता है? स्केयर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो ये स्केयर मैट्रिक्स है। अब आगे देखें जीरो जीरो है तमाम एंट्रीज, तो हमें पता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हों, तो वो हमारे पास कौन सा होता है? नल मैट्रिक्स होता है, बाई डेफिनेशन जो है ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री पे आए, देखें डायगोनल मैट्रिक्स है, देखें तमाम एंट्री डायगोनल वाली जो है वो सेम है, तो जब सेम हो जाएगी तो हमने पढ़ा है कि वो कौन सा होता है? डायगोनल स्केलर होता है। देखें तमाम एंट्रीज क्या है? सेम है, तो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स होगा ये। इसी तरह अगर हम यहाँ आए, देखें डायगोनल वाली एंट्रीज जो है वो चेंज है, और एक तो वन वन भी नहीं है और चेंज है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ आ जाए, देखें यहाँ वन वन है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखें यहाँ अब डी वाले पे ये थ्री जीरो जीरो जीरो, अब देखेंगे डायगोनल एंट्रीज जो है इसकी आपके पास ये जीरो, ये तीन जीरो, एक नॉन जीरो है, तो हमने पढ़ा था अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ देखें ये पे फाइव में से थ्री माइनस करें टू और वन प्लस वन टू, यानी कि ये भी टू है और ये भी टू है, तो ये डायगोनल वाली एंट्रीज सेम हो गई, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है थ्री क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स। क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव मैंने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर फोर में आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्या था, आपने माइनस से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, देखें जस्ट माइनस से बोथ साइड जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है, वन जीरो माइनस वन, तो माइनस ए इज इक्वल टू, देखें माइनस प्लस माइनस वन, ये जीरो जो है वो न्यूट्रल होता है, इसके साथ माइनस नहीं लगाते ना ही प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस ना भी लगाए तो इसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। इसी तरह अब मैंने दो सवाल लिखे हैं, तो आपने जो है ना बाकी क्वेश्चन खुद करने हैं, ठीक है। देखें अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, जस्ट शो करवाया पहले मैंने। अब देखें माइनस बी एज इट इज, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस माइनस टू और माइनस प्लस माइनस का वन, तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह है, वो आपने खुद करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव में कहते हैं ट्रांसपोज फाइंड करें। देखें अब आपने जो है इसके ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो आपने पहले शो करवाना है कि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, जीरो वन माइनस टू, ऊपर इधर भी टी लगा दें, अगर लगाना है बोथ साइड पर, अगर आपने यहाँ टी नहीं लगाना तो फिर ट्रांसपोज ले लें। तो आपको ट्रांसपोज आपने पढ़ा था क्या था? रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज करना। देखें ये आपके पास कॉलम है, इसे मैंने इस तरह रो में चेंज कर देना है, देखें जीरो वन और माइनस टू, ये रो आपने नहीं लगानी, ये लगानी नहीं है एरो, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लगाई है, ठीक है। ये भी तो आपने कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह आप यहाँ आ जाए, देखें सी का ट्रांसपोज लेते हैं, वन टू टू माइनस वन थ्री जीरो, ये ऊपर ट्रांसपोज लगा लेते हैं। सी का ट्रांसपोज लेने क्या करना है? रो को कॉलम में, ये एरो आपने नहीं लगानी, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए रो था, इसे कॉलम में इस तरह लिख दें, ये देखें ये रो है, ये कॉलम में लिख दें, देखें ये भी रो है, इसे कॉलम में लिख दें, कॉलम होता है वर्टिकल फॉर्म में, ये लिखें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके ऊपर टी नहीं लगाना, यहाँ से टी खत्म हो गया, तो ये आपके पास
ये आपके ऊपर ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने लिख लिया, देखिए अब हम क्या करते हैं इसका। ये आपके पास क्वेश्चन है, ए दिया हुआ मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो आपने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है ए के, और इसी तरह आपने बताना है कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो मैंने क्या प्रूव करवाना है, ए के बराबर प्रूव करवाना है। तो देखिए मैं इसे ले लेता हूँ, पहले मैं ए लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा है, तो मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। देखिए ए का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो ए का ट्रांसपोज जो है वो मैं अब यहाँ टी नहीं लगाता, मैं क्या करता हूँ इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। देखिए ये रो थी, इस रो को मैं इस तरह कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, देखिए 1 2, ठीक है। इसी तरह ये रो थी, इसे मैं इस तरह कॉलम में चेंज कर रहा हूँ 0 और 1, तो यही ट्रांसपोज होता है। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज तो ले लिया, अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। देखें ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज ऐसे, तो मैं इसे क्या करता हूँ इस रो को दोबारा कॉलम में चेंज कर देता हूँ। देखें 1 0, ये 2 1 था, इसे 2 और 1, देखें ये रो थी इस तरह थी, मैंने इसे इस तरह कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। तो देखते हैं क्या वाकई ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 2 0 1 1 2 0 1 ये ए है, देखिए मैं इसकी जगह पर ए लिख दूँ, तो ये वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। इसी तरह अगर आप बी वाले पे देखें तो बी वाला भी सेम इसी तरह ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। देखिए अगर मैं बी लिखता हूँ सबसे पहले, तो बी मेरे पास है 1 1 2 0, तो अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूँ, देखें ट्रांसपोज क्या था, इसकी रो को कॉलम में चेंज करना है, ये 1 1, देखें अगर रो इस तरह से मैंने इस तरह कर दिया, अब देखें ये इस तरह रो की फॉर्म में, तो मैंने इसे इस तरह कॉलम में चेंज कर दिया बिल्कुल इस तरह। अब देखें इसका ट्रांसपोज है, अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो बी ट्रांसपोज का देखें मैं होल ट्रांसपोज ले रहा हूँ, और मैं यहाँ जो है कन्वर्ट कर देता हूँ इसे, ये देखें ये रो थी इसे मैं दोबारा कॉलम में चेंज, ये देखें ये रो है इसे मैं दोबारा कॉलम में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास देखें क्या आ जाएगा, आपके पास वही फॉर्म आ जाती है दोबारा 1 1 2 0, देखें ये बी है, तो इसकी जगह मैं बी लिख दूँ, तो ये वेरीफाई हो गया कि बी ट्रांसपोज का जब दोबारा आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा वही मैट्रिक्स यानी कि बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है वो 1.2 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है।